देश की वित्त मंत्री कहती है, नहीं है चुनाव लड़ने का मन क्योंकि मेरे पास नहीं है उतना धन। अब सवाल ये कि कहां से आ जाता है चुटपुटिया नेताओं के पास इतना धन। शायद वक्त आने पर आयकर विभाग या चुनाव आयोग बताए। फिलहाल बात कुछ ऐसी है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सचिव लोकेश अम्बेकल्लू और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ रविवार 21 अप्रैल को FIR दर्ज की गई है। लोकेश कार में 2 करोड़ रुपए नकदी ले जा रहे थे। अब आपको तो पता ही होगा कि चुनाव के वक्त चुनाव आयोग की नज़र बाज की तरह तेज होती है, शायद इसीलिए राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक होता है। तो ये कैसे बच सकते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि ये मामला हमारे पास शनिवार को सामने आया जब चामरा जपेट की स्टैटिक सर्विलियंस टीम ने शाम 4:05 पर 2 करोड़ रुपये नकदी ले जा रही कार को रोक कर आयकर अधिकारियों को बताया। उसके बाद आयकर विभाग ने भाजपा पदाधिकारियों को बुलाया और चुनाव आयोग से कहा, यह पैसा बिल्कुल ठीक है, ये काला धन नहीं है और ये पैसा वैध है। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों के लिए पार्टी नेता या उम्मीदवार अपने पास बस 10,000 रुपये कैश रख सकते हैं। 10,000 से अधिक नगद राशि चेक या ऑनलाइन मोड से दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग ने कहा ये हमारे निर्देशों का पालन नहीं है। इस समय किसी नेता के पास इतना कैश चुनावी फायदे के लिए हो सकता है या रिश्वतखोरी हो सकती है। इन मामलों से संबंधित धाराओं के तहत SST ने पुलिस स्टेशन में लोकेश, वेंकटेश प्रसाद और गंगाधर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अदालत से अनुमति ली। बहरहाल आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। और हम आपको एक सूचना या एक जानकारी और भी देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने अब तक कुल 4,650 करोड़ रुपए अवैध रूप से पकड़े गए हैं, जो आजाद भारत में अब तक का सबसे ज्यादा काला चुनावी धन है। अब सवाल ये, जो नेता 5 साल देश की केंद्र में बैठ रहा है या फिर देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, अगर उसकी पार्टी को चुनाव से कुछ चंद वक्त पहले ही अपनी जीत के लिए ऐसे चुनावी चंदे का इस्तेमाल करना पड़े या काले धन का इस्तेमाल करना पड़े तो कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो वो उन 5 साल में काम कर सकते थे, शिक्षा पे काम कर सकते थे, रोजगार पे काम कर सकते थे, छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देने में मदद कर सकते थे, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। खैर ठहरे तो वो नेता ही, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो अपना वोट ध्यान से चुनिए, देख कर चुनिए और अपनी बच्चों की शक्ल देख कर चुनिए, उनके भविष्य के लिए चुनिए। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन निखिल के साथ वी युवा।